बहुत ही जरूरी काम की बातें 36। नंबर 1, यदि आपके दाद हो गया है तो एक कली या दो कली लहसुन की काट कर उसका रस दाद पर लगाने से दाद 2-3 दिन में बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रहे, जब आप लहसुन का रस दाद पर लगाओगे तो थोड़ी सी जलन होगी, पर 2-3 दिन में दाद पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। नंबर 2, यदि आपकी कहीं मोच आ गई है तो भेड़ के दूध की हल्के हाथों से मसाज करें और कुछ दिन तक ऐसा करने से आपकी मोच बिल्कुल ठीक हो जाएगी, दर्द भी ठीक हो जाएगा। नंबर 3, अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो आपके घर में यदि अनार का पेड़ है तो अनार के जो फूल आते हैं तो उनको तोड़ लें और गुड़हल के फूलों को दही में पेस्ट बनाकर अपने सिर में लगाएं, बाल कभी नहीं झड़ेंगे और बिल्कुल सिल्की हो जाएंगे। नंबर 4, अगर आपके पैरों की एड़ियां फट गई हैं तो सरसों के तेल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर लगाने से एड़ियां ठीक हो जाएंगी। नंबर 5, कभी भी हमें अपने हाथों की उंगलियां नहीं चटकानी चाहिए, इससे हड्डियों की बीमारी हो सकती है। और बताते हैं कि इनको चटकाने से आंखों की नीचे डार्क सर्कल और भी कई परेशानियां होती हैं, इसलिए हमें ऐसा करने से बचना चाहिए। नंबर 6, अगर आप अपने बच्चों को रूम में पैक करके रखते हैं तो उनकी इम्यूनिटी इतनी नहीं बन पाती है, इसलिए अपने बच्चों को मिट्टी में खेलने दिया करें, इससे उनकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी। नंबर 7, धनिया का रस लगाने से गंजे सर में बाल उगना शुरू हो जाते हैं। नंबर 8, जो लोग पतले हैं उनको दूध दही लस्सी का अधिक सेवन करना चाहिए। नंबर 9, जल्दी सोने वाला और जल्दी उठने वाला इंसान तरोताजा दिखाई देता है और चेहरे पर ग्लो रहता है। नंबर 10, रात में ताजी हवा में सोने से इंसान का दिमाग अच्छा काम करता है। अगर आप मच्छरों से परेशान हैं तो सोते वक्त अपने पास नमकीन पानी भर के रख दीजिए, पूरी रात मच्छर आपके पास नहीं आएगा। नंबर 11, नीम के पत्तों से बाल धोने से बाल झड़ते नहीं हैं। नंबर 12, ज्यादा तली हुई चीजों को नहीं खाना चाहिए, इससे बदहजमी हो सकती है। नंबर 13, चेहरे पर टमाटर को काटकर टमाटर में थोड़ी सी कॉफी पाउडर डालकर चेहरे पर हल्के हाथों से 1-2 मिनट मसाज करने से चेहरा खुल उठता है। नंबर 14, रोज सौंफ का दूध पीने से रंग गोरा होने लगता है। नंबर 15, खाना खाने के तुरंत बाद फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए, इससे लीवर को नुकसान पहुंचता है। नंबर 16, यदि हम रात को चावल खाते हैं तो हमें नींद ना आने की समस्या हो सकती है। नंबर 17, खाने में अंकुरित अनाज लेने से शरीर में विषैले तत्व खत्म हो जाते हैं और खून साफ होता है। नंबर 18, अगर कब्ज की शिकायत रहती है तो 2 अंजीर भिगोकर खाने से कब्ज आपको कभी नहीं होगी। नंबर 19, जमीन पर लेटकर सोने से कमर दर्द में बहुत फायदा मिलता है। नंबर 20, हमें सिर के नीचे तकिया लगाने से बचना चाहिए, इससे हमारी रीढ़ की हड्डी और गर्दन की हड्डी में परेशानी हो सकती है, हो सके तो एक सूती कपड़ा अपने सिर के नीचे लगा लें। नंबर 21, कभी भी फोन को 15% या 20% की बैटरी में नहीं देखना चाहिए, यह बहुत नुकसानदायक होता है। नंबर 22, अगर हम अजवाइन को पानी के साथ एक फक्की लेंगे तो इससे पथरी धीरे धीरे टूट के गिर जाती है। नंबर 23, यदि चेहरे पर झुर्रियां और छाइयां आने लगी हैं तो कुछ दिन खीरे का रस लगाएं, फायदा मिलेगा। नंबर 24, सुबह 4-5 काजू खाने से और उसके ऊपर शहद चाटने से दिमागी कमजोरी दूर होती है। नंबर 25, ज्यादातर थूक बाहर निकलने से हमारा दिमाग कमजोर होने लग जाता है और शरीर में भी पानी की कमी आ जाती है और खाना भी डाइजेस्ट नहीं होता है। नंबर 26, यदि होंठ सूख जाते हैं तो इसका मतलब है आपका गुदा खराब हो सकता है। नंबर 27, सरसों के तेल की पैरों के
तलवों में लंबे समय तक मालिश करने से आंखों की रोशनी नहीं जाती है। नंबर 28, रोजाना एक सेब खाने से बीमारी हमारे पास नहीं आती है। नंबर 29, तेज बुखार आने पर ठंडे पानी का कपड़ा सिर पर रखने से बुखार सिर पर नहीं चढ़ता है। नंबर 30, घुटनों में दर्द है तो अखरोट की गिरी खाएं, फायदा मिलेगा। नंबर 31, ताजा हरा धनिया को मसल कर सोने से छींक आना बंद हो जाएगी। नंबर 32, सिर में प्याज का पेस्ट लगाने से बहुत फायदा मिलता है, बाल जल्दी से सफेद नहीं होते हैं। यदि मुंह में छाले बार बार होते हैं तो खाने के बाद गुड़ खाना चाहिए। नंबर 33, यदि आप बार बार छींक आने की समस्या से परेशान हैं, तो एक बड़ी काली इलायची को मुंह में चबा लें और धीरे धीरे उसको चबाएं, इससे आपको फायदा मिलेगा। नंबर 34, जिन्हें एलर्जी होती है या बार बार छींक आती है, एक अदरक का टुकड़ा लें और उसको पानी में अच्छे से उबाल लें और फिर उस पानी को ठंडा करके पी लें। ज़्यादा ठंडा ना हो, हल्का गुनगुना हो और पी जाएं, इससे आपको छींक में बहुत फायदा मिलेगा। नंबर 35, यदि आप पैर की नाखून पर सरसों का तेल लगाएंगे तो आंखों की खुजली, लालिमा और जलन से ठीक हो जाएंगी। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में बताई गई जानकारी एक सामान्य प्रक्रिया के लिए है। किसी भी बीमारी से पीड़ित होने पर डॉक्टर से सलाह लेकर यह नियम अपनाएं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और बेल आइकन बटन भी प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।